हेलो फ्रेंड्स, दीप मोहित किचन में आपका स्वागत है। गर्मियों का सीजन चल रहा है और आजकल कुल्फी और आइसक्रीम का तो मजा ही कुछ और है, तो मैंने सोचा लई है आपके संग मटका कुल्फी की रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने दूध ले लिया है, मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, मैंने आधी कप क्रीम ली है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं काजू बादाम पिस्ताचियो, और ये मेरा आधा कप के करीब मिल्क पाउडर है। शक्कर आप स्वाद अनुसार, कुछ कभी ऐसा होता है कि जमने के बाद शक्कर थोड़ी फीकी हो जाती है, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा केसर का भी हमने यूज़ किया है। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने दूध डाल दिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे और इसमें क्रीम डाल देंगे हम। ये मटका कुल्फी इंस्टेंट बनती है तो हम क्रीम और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप चाहे तो इसे कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा कर सकते हैं। ये हमारी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें क्रीम और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम एक उबाल आने तक लगातार चलाते रहेंगे। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें उबाल आने वाला है। अब इसमें उबाल आ गया है, अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दूंगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए रोक देंगे। अब इसे हम लगातार 10 से 15 मिनट तक चलाते रहेंगे। जब तक ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता है तब तक मैं थोड़े से ये स्ट्रिंग जो केसर के हैं वो हम इसमें डाल देंगे। इससे कि इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसे हम गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे लगातार चलाते हुए, और इसके जो किनारे मलाई जमती रहेगी उसको भी हम निकालते रहेंगे। देखिए अब ये हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसे मटका कुल्फी का, अब ये मैं इसे मटके में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मैंने ये मटका कुल्फी के लिए मटकियाँ ले ली हैं, अब मैं इसमें ये वाला बैटर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब हम इसे क्लिंग रैप से रैप कर देते हैं। अच्छी तरीके से इसमें मैं रबड़ बैंड लगा देती हूँ ताकि इसमें भी बर्फ बिल्कुल भी ना जमे। अब हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में, 6 से 7 घंटे हो गए हैं और मैंने अपने जो मैंने कुल्फी जमाई थी तो मैंने निकाल ली है। चलिए देख लेते हैं कि हमारी कुल्फी जमी है या नहीं जमी है। देखिए हमारी कुल्फी जम गई है, बहुत टेस्टी और टेम्पटिंग लग रही है। ये भी मैं खोल लेती हूँ। देखिए ये हमारी कुल्फी जम गई है और ये बहुत ही टेस्टी बनी, और ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी। और इसको आप बनाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और गर्मियों में इस मटका कुल्फी का लुत्फ़ उठाइए। थैंक यू।